नकदी फसल है जो किसानों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। कपास विदर्भ में व्यापक रूप से बोया जाता है, लेकिन वर्तमान में पिंक बॉलवर्म ने किसानों में चिंता का माहौल बना दिया है। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने अपील की के इस संदर्भ में प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सभी किसान छत्ते के बाद कपास की फसल पर तुरंत नीम के अर्क का छिड़काव करें। एग्रोविजन फाउंडेशन, साउथ एशिया बायोटेक सेंटर, राशि सेट्स पीआई वे फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से कलमेश्वर के ऑरेंज मार्केट हॉल में पिंक बॉलवर्म कंट्रोल अभियान का उद्घाटन करने के बाद किसानों से बात कर रहे थे।